आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपने राशन कार्ड के लिए आवेदन किया है और आप उत्तर प्रदेश से हैं तो राशन कार्ड की जो लिस्ट है वो नई जारी हो गई है। अब आप उसमें आप अपना राशन कार्ड देख पाएंगे कि बना है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना है fca.up.gov.in की वेबसाइट पर। उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे वेबसाइट जो है सामने ओपन हो गई है। अब आपको आना है राशन कार्ड की पात्रता सूची में। यहाँ पे काफ़ी फीचर दिए हुए हैं तो हमको राशन कार्ड की सूची देखना है तो इस पर हमें क्लिक करना होगा। तो जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ गया है कि जिले के जितने भी यूपी में जिले हैं वो सारे जिले हमारे सामने खुलकर आ गए हैं। 75 जिले यूपी में हैं तो 75 जिलों के नाम यहाँ पे आ गए हैं। अब आप इसमें देख पाएंगे कि हमारा जो ज़िला है वो कौन सा है। तो चलिए हमारा ज़िला खीरी, तो खीरी पर क्लिक करता हूँ। अगर आप शहरी क्षेत्र से रहने वाले तो आपको नगर में यहाँ पे टाउन पे क्लिक करना होगा। अगर आप ग्रामीण पे हैं तो आप ब्लॉक में जाएंगे। तो अगर मैं ब्लॉक से रहने वाला हूँ तो ब्लॉक पे क्लिक करता हूँ। अब हमारे सामने ग्राम पंचायत के नाम आए हुए हैं कि हमारी ग्राम पंचायत कौन सी इसमें है। तो आप अपने हिसाब से जो है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरी तो मिर्जागंज है तो मैं मिर्जागंज पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे दुकानदार का नाम आया हुआ है, पात्र गृहस्थी राशन कार्ड कितने हैं, लाभार्थी कितने हैं, अंत्योदय राशन कार्ड कितने हैं, लाभार्थी कितने हैं और टोटल यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आपको पात्रता सूची देखनी तो यहाँ पे क्लिक करना होगा। अगर अंत्योदय की सूची देखनी तो यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो मैं आपको पात्रता सूची दिखाने वाला हूँ। अब हमारे सामने राशन कार्ड धारक के नाम यहाँ पे आए हुए हैं। आप इसमें देख पाएंगे कि हमारा राशन कार्ड कौन सा है, अपने हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। तो आपको अगर आप पीसी पे सर्च करो तो आपको कंट्रोल प्रेस इंटर करना होगा, हम आवाज डालना होगा 220, या फिर आप इसमें अपना नाम डालकर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा राशन कार्ड आया हुआ है और बन गया है। इसी तरह दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप बहुत ही आसानी से राशन कार्ड की लिस्ट देख सकते हैं कि नाम आपका आया हुआ है या नहीं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और साथ ही में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।